क्या बात है, फोर व्हील ड्राइव है। अच्छा हाँ जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल, ठीक ठाक हो सारे? शायद तुहानू भी खुशी हो रही होगी मेरे मुँह फिर तो पंजाबी सुनते हैं, जिन्नी क मैनू हो रही है फिर तो पंजाबी व्लॉग करते हैं। केरला व्लॉग्स तुहानू सारे काफ़ी पसंद आए, मैं सारे कॉमेंट्स रीड किए, बस एक चीज़ की दिक्कत ही वो सी लैंग्एज की। सो केरला व्लॉग्स मैं हिंदी क्यों किए मैं तुम दस दाँ कि जो मेरी केरला टूरिज्म डील हुई ना तो सारिया चीज़ा डन हुई, लोकेशन डिसाइड हुई, किरते घूमना सी, कार डिसाइड हुई, सब कुछ डिसाइड होया। तो उन्होंने सिर्फ एक कंडीशन ही कि जोड़े ब्लॉग्स आई हिंदी करने, क्योंकि असी थोड़े ब्लॉग्स ऑल ओवर इंडिया प्रमोट करने। सो मेरी इस गलते तीन चार दिन उन्होंने गलबात चलती रही कि नहीं मैं ब्लॉग्स पंजाबी करूँगा, मैं हिंदी नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक बंदा ही जरा मैनू ना थोड़ा टोंट भी ना उन्हें कहा कि नहीं यार छोड़ो पर डील कैंसल करो, इन्ना अं काम नहीं करना, ये को हिंदी नहीं बोली जानी, आप कोई होर क्रिएटर लभद छोड़ो पर आप एवं टाइम वेस्ट कर रहे, कोई होर लभो जो हिंदी ब्लॉग करे। फिर मैं क्या चलो कोई चक्कर नहीं, हिंदी आ बोलेंगे यार, चार पाँच ब्लॉग ही आ, कोई चक्कर नहीं यार। बाकी मैं डील कैंसल भी कर सकता ही, बस जो बई मैं ना कहता टोंट वे ना कि तू नहीं कर सकता। एक होर गल कि केरला में गया से चार महीने पहला, जो असी केरला तो वापस आए ना तो उत्थे नाल ही लॉकडाउन हो गया, तीन महीने लॉकडाउन रहा, फिर एक महीना मेरे ब्लॉग्स अप्रूव होने लिए उत्थे पे रहे, फिर हुण जाके अप्रूव होए ही तो फिर अपलोड होए, मतलब चार महीने पुराने ब्लॉग्स आ। सो जरूर देखियो जिन्होंने हाल तक नहीं देखे केरला ब्लॉग्स, ये ब्लॉग देखने तो बाद लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन मिल जूगा, तो दस्यो किवें दे लगे। लैंग्एज नू छड्ड के जिन्हां नू हिंदी लैंग्एज नहीं पसंद वो छड्ड के बाकी ब्लॉग देखे यार, जरूर दस्यो। तो हुण असी जा रहे हैं चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं ये ब्लॉग पूरा देखोगे तुम्हें पता लग जूगा, सो ब्लॉग नू पूरा एंड तक जरूर देख। चंडीगढ़ क्यों आया, इत्थे हैगी सी एक मीटिंग, उस मीटिंग बारे तुम दसांगे इंस्टाग्राम ते स्नैपचैट ते, ते उत्थे जाके भी सारे ऐड ते फॉलो कर लियो। तो राइट नाउ टाइम होया सवेर दे 9:30, तो इन्नी कु ज़्यादा कड़ाकी धुप पैना यार की दसीए, तो मीटिंग हैगी 11 बजे, पहुँच असी चंडीगढ़ गए 9:30, तो हुण असी जावांगे नाडा साहिब गुरद्वारा साहिब मत्था टेकन लई। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप तुसीं सारे घैंट हो। रस्ते च हवेली रुके ही, चाह शाह पीती, जिहड़े स्नैपचैट ते स्टोरीज देखते उन्हां नूं पता होगा, तो साढ़े नूं आपां टाइम नहीं पहुँच गए, तो प्लैन बने चलो हुण 1.5 घंटा तो हैगा ही यार, चलो गुरद्वारा साहिब मत्था टेक आउंदे आ, मत्था टेकदे आ पहलां तो फिर ताज आपां आउणा। मीटिंग 2 घंटे चलनी आ तो फिर असी वापसी अज ही कर लैनी आ अमृतसर वल नूं। सो व्लॉग नूं पूरा एंड तक जरूर देखियो, देखने अगे की बनता है इस व्लॉग च, तो चलो। ताज होटल आए सी, गड्डी लाई आपां उत्थे, ते इधर गड्डी लगी आ क्रेटा। की होया जी भाई नूं पुछ लै, गाने सुनदा रहा विच बह के। इह हैगी आ पुश बटन स्टार्ट, ते इहदी हो गई बैटरी खराब। हुण इह गड्डी किवें कढ़ीए यार, ये गाड़ी पीछे करवा दो यार, गाड़ी पीछे करवा दो यार, यार इन्नू इन्नू थोड़ा अगे अगे थले ला दो ना बलजीत वीरे, इन्नू थले ला दो गाड़ी नू, मैं धक्का लाउंदा वा, इन्नू थले नू ला दो, बैठो यार अंदर बैठो। अरे इधर साइड लानी है ना, साइड में दबा के लगानी पड़ेगी भाई यार। अरे घुमा दो ना यार इसको, जितना भी घूमती है साइड वहां नीचे लगा दो ना, थोड़ी नीचे चली जाएगी। चलो क्या हो गया, हाँ चलो निकालनी तो पड़ेगी, चलो धक्का लगाते हैं, चलो जी यार इधर करते हैं आगे ना, आगे ना। अरे आगे होएगी नहीं यार, किन्ने क्या है तुम इतने गड्डी लाने ली, उन्होंने क्या ही ना बेसमेंट में ला दी, हूँ आप जाना 37 सेक्टर, उत्थे एक समान चकना वा, तो फिर वापसी करनी आप अमृतसर वल नूं। बाकी यार खज्जल बड़ा पार्किंग दे विच जिहड़ी गड्डी लागे ना, मतलब कि यार उन्हां दी भी गलती नहीं सी, बैटरी नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रही गड्डी, हुण उन्हां दी कीड़ी गलती यार, नवीं गड्डी सी, क्रेटा सी, नवीं गड्डी ही, नवीं गड्डी च भी दिक्कतां हो जांदियां ने, की कर सकते हैं। हुण सब तो पहले आप जाना 37 सेक्टर, उस समान चक के तो फिर वापस अमृतसर वल नूं। सो तुम ब्लॉग देखते रहो, इंजॉय करते रहो, जे ब्लॉग वधिया लग रहा ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਹਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ, ਸੌਰੀ 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 ਸਰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ ਸਰੀ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਡਨ, ਚਲੋ ਚਲੋ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਆ ਸਮਰਾਲੇ। ਤੇ ਸਮਰਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਰਮਨ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲੋ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਐਨ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਪਿੰਡ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਟਰ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਪੂਰਾ ਡੇਲੀ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਗਰਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮੋਟਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਪੱਕਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਹੋਣਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼। ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕੰਟੈਸਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੇਚਤੀ ਯਾਰ, ਹਨਾ? ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਵਲੌਗ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਕੈਨ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਰੈਪ ਕਰਾਇਆ ਵੈਸੇ ਵਾਈਟ ਆ ਇਹ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਮਾਡਲ ਆ ਵੀਰੇ? ਇਹ 96 ਮਾਡਲ। ਓਹ, ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ 96 ਵੀਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਹੈਗੀ 96 ਮਾਡਲ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਭੱਜਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਲਾਜਵਾਬ। ਅਤੇ ਐਵਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀਰੇ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਵੀਰੇ 15 ਦੀ ਹੈਗੀ, 14 15 ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਂਦੇ ਆਏ ਯਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਡੋਂਦੇ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਸਾ ਖੜੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਕੰਟੈਸਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੰਟੈਸਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਲੋਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਹੋ ਵਾਈਟ ਕੰਟੈਸਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਾਰ ਇਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਗੂਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਦੇਖ ਇਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਟੈਸਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਬੀਬੀ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਨੀ ਹੈਨਾ? ਪਾਵਰ ਦੋਸੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਐ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟੈਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਖੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਦੇ ਘਰ ਖੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੇ ਆ ਬਸ, ਕੰਟੈਸਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਲਈ ਨੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਓਦਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹਨਾ। ਬਾਈ ਦੇ ਪਸੀਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਦੇ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਟੋਰ ਇਹ ਚਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਡਲ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 1988। ਇੰਜ
ਗੁੱਜਣ ਇੱਕਦਮ ਮੁੱਕੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਯਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ खट्टा मीठा ਲੋਡਕਰ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਬੈਟਰੀ ਆ ਵੀਰੇ ਆ ਬੈਟਰੀ ਆ ਇਹ ਰੇਡੀਏਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਟਾ ਤੇ ਆ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਇਹ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2006 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਲ सो शूट का तो कोई प्लैन नहीं ही सडन प्लैन बनया मोटर से आए दो चार वीडियो बनाई स्लो मोशन तो वह पावे इंस्टाग्राम से सो आई डी आ रही है सामने रमन भाई की भी मेरी भी तो हुंदा साहब की भी सो जाके दर्शन दियो इंस्टाग्राम से हम वापसी हूँ बंद कल शूट तो गई हुई थी उन्होंने टाकियां कर दी आई है सो एक गड्डी आ लगी हुई आ कि मॉडल है वीरे 1962 पर एदी जड़ी बेस्ट चीज़ आ वो ये आ यार क्या बात है ते हैंड गियर है दे आ गियर है दा हाली किथे ए आ गियर वीरे क्या बात है अंदरों भी आ बिल्कुल एंड टिप टॉप बाकी कमेंट करके दस्सो एदा भी लोग करांगे हुण टाइम घट आ शूट दा भी प्लान देख ही आ जा लैंड क्रूजर भी लैंड क्रूजर भी लगी आ चलो पहले तुहानू उधर दिखा दिंदे आ एक आया जी आ कितना मॉडल है 1988 लैंड क्रूजर टोयोटा क्या बात है अच्छा वीरे ओके रिपोर्ट फोर व्हील ड्राइव है अच्छा क्या बात है गाइस तुम कमेंट करके दस्यो कि इन्हां बाकी दो गड्डियां दे लोग करिए ते एक ब्लैक एंटेसा भी हैगी आ ते एक मर्सिडीज भी हैगी आ दो मर्सिडीज 1 2 3 दो एक जोंगा निशान दा पता नहीं की कुछ है बाकी कमेंट करके दस्यो कि ओदा व्लॉग करिए कि ना क्योंकि अज कोई प्लान नहीं सी शूट दा बस मिलन दा प्लान ही ते थोड़ा बहुत शूट कीता कंटेसा ना आ तां सिरा चीज है यार फुल रेट्रो स्टाइल ठीक है वीरे ओके वीरे थैंक यू सो मच मिलते हैं छेती हां हां ध्यान ना जाए पहुंच के मिल हां मैं फोन करता ओके वीरे नाल ही आ जाओ छड्डो परा अमृतसर चलते हैं जो कोई नहीं आने कितने टाइम कट के आवांगे करियो फोन ओके वीरे ओके ओके जी चलो चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया मम्मी ने बुलाया है हुन चलिए वापसी अमृतसर वाल नु यार रस्ते रोको हां कुछ खाना पीना है कुछ खा लिए बेटा करो छत्र भी खाना है वो तो चलो बाद में वो डिनर च खावांगे ओ नहीं डेजर्ट च डेजर्ट वो डेजर्ट चलनगे धन्यवाद वीरे धन्यवाद की हाल चाल ठीक ठाक जी हां जी कै बजे कुछ खान पीन घरों ते वजने डेजर्ट मिलना डिनर कर लिया है कुछ रैप रूप खाने हैं वेज रैप खाने हैं और भाई जी की हाल जे सत श्री अकाल जी ठीक जे वाह इदा को भाई ताड़ी मेरा साडे ते हाँ जी वीर अभी चंडीगढ़ आए ही हाँ जी हाँ जी और कृपा ठीक है वीर जी सत श्री अकाल जी की हाल वीरे
सो गाइस फाइनली अमृतसर पहुंच चुके हैं यार, मतलब कि अपने शहर जो आ जाओ ना यार फीलिंग ही चेंज हो जाती है। तो यार एक दिन अपना हूँ कर लिया है ना चंडीगढ़, असी सवेरे निकले थी 6:30 किन्ने बजे निकले यार आप 6:30 सवेरे निकले ही ते वापसी असी कर ली आ 10 बजे तक, मतलब अद्धे रस्ते बलजीत वीर ने गड्डी चलाई अद्धे रस्ते रल मिल के आप चला ली पर वधिया रहा। सो होप करते हैं कि तुहानू भी ब्लॉग वधिया लगा हो, जे वधिया लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करियो। हूँ तो यार मैंने इन्नी तेज नींद आई है ना, मेरा दिल कर रहा है गड्डी सोया पर नहीं अगले व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।